अपने वर्तमान को देखकर फ्यूचर का अनुमान मत लगाइए। अगर जो वर्तमान देखकर फ्यूचर का अनुमान लगाता है उसका वर्तमान और फ्यूचर दोनों खराब होता है, ये लिखकर रख लीजिए। नमस्कार, मैं शिखराज। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं आईटीआई के बारे में, किस तरह से लोग आईटीआई लेवल के थे और आज बड़े बड़े जगह पे पहुंच चुके हैं, बड़ी बड़ी कामें कर चुके हैं, दुनिया में उनका डंका बज रहा है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। आप क्यों अपने आप को कंप्रेस समझते हैं, अपने आप को क्यों छोटा समझते हैं, अपने आप को क्यों समझते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, अपंग है? ऐसा नहीं है, क्योंकि आप वर्तमान देखते हैं, वर्तमान देखकर आप सोचते रहते हैं, इसीलिए आप पीछे हैं, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाते। विजन को बड़ा कीजिए, अपने लक्ष्य को बढ़ाइए, अपने सपने को ऊंचा कीजिए। सपने वो सपने नहीं जो सोकर देखते हैं, वो सपने जो दिन में देखते हैं आप। अपने कर्मों को ऊंचा कीजिए और इस तरह से सोचिए कि हमें भी कुछ करना है लाइफ में, और क्या करना है वो आप खुद जानते होंगे। किसको क्या करना है वो कोई दूसरा नहीं बता सकता है, और जो बताता है कि आपको ये करना है और उसके उसे कहने पर आप करते हैं तो सबसे बड़ा मूर्ख है, कभी आप नहीं कर सकते हैं। सामने ऐसे हजारों लोग हैं जो अपना वर्तमान देखकर कभी काम नहीं किए थे। अगर वो लोग अपना वर्तमान देखकर काम करते तो कभी भी उनका फ्यूचर अच्छा नहीं होता। आज वो जिस पोजिशन पे है, जिस लेवल पे है, वो सोचना और उस दिन के बारे में सोचना जब वो इस जमीन पर थे, गरीब थे, उनके पास कुछ नहीं था, दोनों में दिल्ली और आसमान के फर्क है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और इन्होंने डिफरेंस क्रिएट किया है, डिफरेंस को पैदा किया है, डिफरेंस अपने आप नहीं हुआ है। तो आपको भी अपने जीवन में इस डिफरेंस को पैदा करना है, इस जो दूरी है, दूरी को खत्म करना है, गरीबी और अमीरी की दूरी को खत्म करना है। कैसे खत्म होगा? जब आपका सोच उन लोगों जैसा होगा। वो लोग कभी भी अपना आज का कंडीशन देकर, आज का फ्यूचर देकर काम नहीं किए थे, आज के बारे में देखकर वो फ्यूचर के बारे में अनुमान नहीं लगाए थे। लेकिन हम लोगों में ये कमी होती है कि हम आज के बारे में देखते हैं, आज के का अपना स्तर देख के भविष्य के स्तर के बारे में अनुमान लगाते हैं। करें तो एग्जाम्पल आपके बीच से आता है, एग्जाम्पल के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो लोग जिनके बारे में हम बताने वाले हैं, वो लोग भी आपके बीच के थे, आप ही के जैसा रहते थे, आप ही के जैसा वो जिए हैं जिंदगी, उन्होंने ये चीजें की है। आप भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए। वो एक समय था जब स्टेशन पर चाय बेचते थे, बच्चों को चाय पिलाते थे, यात्रियों को चाय पिलाते, अखबार बेचा करते थे। कभी उन्होंने उस समय के कंडीशन देखकर ये नहीं सोचा होगा कि हम इस मेरी जिंदगी यही रह जाएगी, हम कितना कमा लेंगे, हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। ऐसा अगर सोचा होता तो आज वो प्रधानमंत्री नहीं होते। उन्होंने उस जीवन को जिया है, खुशी से कर रहे थे, लेकिन उनका ध्यान फ्यूचर पर था, अपने फ्यूचर को अच्छा करने पर था, अपने आप को इम्प्रूव करने पर था, अपने आप को आगे बढ़ाने पर था, इसलिए वो आगे बढ़ गए। अगर वो स्टेशन पर ही रह जाते, स्टेशन पर ही चाय बेचने में लगे रहते तो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। लालच उन्होंने कभी नहीं किया, इसलिए वो आगे बढ़ गए। आपके पास लालच आते हैं, प्लेसमेंट वाले आते हैं, प्राइवेट कंपनी वाले 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे 20,000 रुपए देंगे, चले जाते हैं। इतने वहां बैल जैसे आपको काम कराया जाता है, ओवर टाइम 12 घंटे 14 घंटे काम करते हैं। इसके बाद आपकी माइंड शिथिल हो जाती है, काम करना बंद कर देता है, क्योंकि जो काम करते हैं उसी पर माइंड सोचता है। वहां बैल वाला काम है, माइंड वाला काम नहीं, आपको सोचने की शक्ति ही खत्म हो जाती है, पढ़ाई खत्म हो जाता है, पढ़ना छोड़ देते हैं आप। तो आप इसीलिए जब कंपनी से आपको धक्का देकर निकाल दिया जाता है 2 साल बाद, आप कहीं के नहीं रहते हैं, आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं, आपको लगता है कि आप जीवन में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन बहुत कुछ हो सकता है, आप परिवर्तन ला सकते हैं। आपके पास तो आईटीआई है, आप आईटीआई के हैं ना, अपने आप को गर्व महसूस करते हुए। बिना आईटीआई के हुए ऐसे ऐसे लोग हैं मेरे संपर्क में जो जीवन में इतने दूर तक चले गए हैं कि आपका आपको सोचना वहां तक मुश्किल होगा। हम तो बात कर सकते हैं, मेरे एक बहुत अजीज मित्र हैं रजनीश सर, इनके मेरे ग्रुप में लाइव चैटिंग भी करते होंगे, आप लोग देखेंगे भी होंगे। इनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं था, बचपन में 17 साल की उम्र में बाहर चले गए थे, मुंबई गए, बड़े बड़े शहरों में इन्होंने ठोकरें खाई, लेकिन कभी इन्होंने अपने पीछे नहीं देखा कि हम कहाँ थे, क्योंकि उन्होंने वर्तमान पर देखे काम नहीं किया। जो वर्तमान था उसको अच्छे से जिया है, अच्छे से काम किया है, और आज दुबई में है, अच्छे कंपनी में है, विदाउट डिग्री सुपरवाइजर भी हैं। आज भले वो डिप्लोमा कर चुके हैं, लेकिन डिप्लोमा करने से पहले वो सुपरवाइजर बन चुके थे, उनकी सैलरी इंडिया के सैलरी से अगर कंपेरिजन कीजिएगा तो 1 लाख है। लेकिन आपके पास आईटीआई या डिप्लोमा है, बीटेक है, फिर भी आप 12,000 पर काम करते हैं, क्यों? और उनका एज अभी जस्ट 30 के आसपास होगा। इन्होंने बड़ा अचीवमेंट प्राप्त किया, इसलिए इन्होंने लगातार प्रयास करते रहे अपने आप को इम्प्रूव करने पर। रोए नहीं कभी कि मुझे मेरे पास ये नहीं है, उनको मैं पर्सनली जानता हूं, उनके साथ 6 महीना मैंने बिताया है एक कॉलेज में, तो मैंने देखा था उनकी पर्सनालिटी कैसी थी, पॉजिटिव आदमी थे, कभी पीछे मुड़ के नहीं देते, जो था उसी में खुश रहते, पैसे नहीं है फिर भी खुश है, खाने को नहीं है फिर भी खुश है, रोना नहीं है। आज नहीं है मेरे पास पैसे नहीं है खाने के, इसलिए कि मुझे काम नहीं किया है, आज मेरे पास समस्याएं हैं, लेकिन समस्याएं का समाधान हो सकता है, समस्याएं हमेशा के लिए नहीं आती है, समस्याओं में एक बेनिफिट ये होता है कि ये चला जाता है, कुछ दिन आता है लेकिन चला जाता है, लेकिन जब जाता है तो आपको मेहनत करना होता है।
इसके बाद और भी एग्जाम्पल है, आप अब्दुल कलाम को ही ले लीजिए। रामेश्वरम में एक नाय चलाने वाले के बेटे जो नाय चलाया करते थे, पेपर बेचा करते थे, और उन्होंने तो कभी ख्वाब नहीं देखा हो कि हम राष्ट्रपति भी बनेंगे, लेकिन वो राष्ट्रपति बने। वो पेपर बेचना और नाव चलाना उनके लिए कोई शिकायत की बातें नहीं थी, वो अपने आप को उसके लिए गलत फील नहीं कर रहे थे कि मुझे नहीं करना है, ये गलत काम है। कभी नहीं, काम कोई गलत नहीं होता है। हम जितने आईटीआई करने वाले लोग हैं ना, जो मजदूर वर्ग में आते हैं, जो मिस्त्री वर्ग में आते हैं, टेक्नीशियन में आते हैं, हम लोग किसी के कमाने का जरिया बन जाते हैं। कंपनी वाले बात करें, जिस प्रोडक्ट को आप बनाते हैं, जिस कार को आप बनाते हैं ना, उस कार में आप कभी चढ़ नहीं पाते हैं, आप कमाने का जरिया है। वो आपसे अरबों रुपए कमाता है, एक गाड़ी को करोड़ों रुपए में बेचता है, लेकिन आपको 10,000-5,000 रुपए देता है, क्योंकि आप काम करने का जरिया बन चुके हैं उनका। आपको खुद काम करने में शर्म आती है, आपको बोल दिया जाएगा यहाँ पर सब्जी बेचिए मंडी में, बाजार में ठेला लगा सब्जी बेचिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, उनको ये फीलिंग आया कि मुझे नहीं करना, ये बहुत गंदा काम है, लोग हंसेंगे, लेकिन वो वहीं जाकर वो आइसक्रीम बेचता है पंजाब में, दिल्ली में, या किसी कंपनी में जाकर फर्नेस के सामने जहां पे आग जल रहा है, जहां पे 100 डिग्री टेम्परेचर, वहां पर लोहा को पिघलाता है, उसको वहां पे शर्म नहीं आती है कि कितना मेहनत वाला काम कर रहा है, जबकि वहां सब्जी बेचकर वो अच्छा पैसा कमा सकता है, अच्छा चीज कर सकता है, लेकिन वो नहीं करेगा। अब्दुल कलाम जी को यही चीज, उनको पता था कि हमें अखबार बेचने से दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम अपने लिए करते हैं, और ना मैं चोरी करने नहीं जा रहा हूं, अपना काम कर रहा हूं, और काम काम पे ही डिसाइड होता है आप क्या करेंगे। और इन्होंने अपने काम, अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया, काम पर ध्यान नहीं दिया। काम छोटा था लेकिन लक्ष्य बड़ा था, काम छोटा करते हुए भी लक्ष्य बड़ा था, इसीलिए उन्होंने राष्ट्रपति पद तक पहुंच गए। और आप काम छोटा देख नहीं करेंगे और लक्ष्य बड़ा नहीं हो सकता है फिर, इसीलिए काम पर फोकस कीजिए। धीरू भाई अंबानी जो भारत का नंबर वन कंपनी रिलायंस को खड़ा कर दिया, जो कभी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बेचा करता था, डीजल बेचा करता था, वो अपने वर्तमान परिस्थिति को देखता कि मैं पेट्रोल बेच रहा हूँ, मेरा कहीं पेट्रोल पंप हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं उससे योग्य हो ही नहीं हूँ, क्योंकि एक पेट्रोल पंप पे जो आदमी काम करता है 8,000-10,000 सैलरी पाने वाले, उस जमाने में उनको तो बहुत कम मिलता होगा, वो कैसे सपने देख रहे हैं उनका एक पेट्रोल पंप नहीं पेट्रोल बनाने वाली कंपनी बन जाएगी। बहुत सारे रिफाइनरी है उनका जो ऑलरेडी तेल निकालती है, तेल बेचती है, उनके अंडर में तो बहुत सारे ऐसे पेट्रोल पंप खुले हुए हैं। रिलायंस से कंपनी के बारे में आप जानते होंगे, बहुत बड़ी कंपनी है। तो उन्होंने वर्तमान देकर कहीं फैसला नहीं लिया भविष्य का, इसलिए वर्तमान देकर आप उदास मत होइए, आप डीमोटिवेट मत होइए, अपने आप में एनर्जी लाइए और अपने जुनून के साथ काम कीजिए, आगे जरूर बढ़िएगा, आपके जीवन में खुशहाली आएगी, ये निश्चित है। तो वीडियो को शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक ग्रुप में, सभी जगह, जिससे आईटीआई करने वाले बच्चों को मोटिवेशन मिल सके, उनके लिए एक अच्छा वीडियो साबित हो सकता है, क्योंकि किसी के अंदर में काम करने से, बेरोजगारी करने से, बेगारी करने से अच्छा है कि अपना खुद का करें, अपने फ्यूचर पर ध्यान दें इत्यादि। लगा इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पूरे ग्रुप में फैला दीजिए, जिससे आईटीआई करने वालों को मोटिवेशन मिल सके, उन लोगों को ये पता चले कि हम भी अगर कुछ करेंगे तो कुछ बन सकते हैं। तो चलिए इन्हीं सारी बातों को लेकर आज वीडियो को समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।